राम। आप सभी को जय संतोषी माता। कैसे हैं आप सभी लोग? और काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं, एक हफ्ते के बाद हम आपसे मिल रहे हैं। कैसे हैं जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और स्वागत है आपको किरण विश्वकर्मा रियल लाइफ चैनल में। तो ये मैं नहा के आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को नहला देती हूँ, क्योंकि राधा जी को हमने पहले से ही उनको तैयार करके नहला के धुला के और उनको तैयार करके रख दिए बैठाल दिया है। और अब हम लड्डू गोपाल को नहला देते हैं। आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं लड्डू गोपाल को कैसे नहलाती हूँ और उनके कपड़े वस्त्र कैसे पहनाती हूँ, तैयार कैसे करती हूँ। आज मैं उनका श्रृंगार भी दिखा रही हूँ। तो बस ऐसे ही मैं करती हूँ रोज की, मैं नहला के इसी तरीके से मैं इनकी जो सारे कपड़े हैं पहनाती हूँ और तैयार करती हूँ, इनका श्रृंगार करती हूँ। और इनके जो कान के हैं टप्स बिल्कुल नहीं रह गए हैं, टूट गए हैं, तो इनके मार्केट से लाना है पर समय नहीं मिला है मुझे जाने के। तो यहाँ पे हम चंदन लगा देते हैं, ब्रश से लगाते हैं क्योंकि हाथों से नहीं लगा मिलता है। यहाँ पे मैंने टीका लगा दिया है और लड्डू जी हमारे तैयार हो गए हैं। उनको भोग भी साथ ही साथ लगा देंगे। और भोग में लगाते हैं मिश्री, तुलसी और दूध और तुलसी, बस यही लगाती हूँ। और बस लड्डू गोपाल हमारे तैयार हो चुके हैं और पूजा भी कर लेते हैं। हमारे क्यूब से लड्डू गोपाल तैयार हो चुके हैं। बस आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए और अब हम चलते हैं छत पे सूर्य नमन करने के लिए। तो सूर्य को जल चढ़ाने के लिए चल देते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा था वो सब आप सभी के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि कोई भी क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या थी, वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, जय संतोषी माता। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज है फ्राइडे, शुक्रवार। तो बस यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और पूजा हमारी हमने कर ली है, पूजा हो चुकी है। और आज ना थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे, कपड़े धुले तो इसी वजह से लेट हो गए हैं। तो बज गए हैं 10:30 बजने वाले हैं आज, बहुत काफ़ी लेट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना, तो पूजा करने में टाइम भी लगता है, कम से कम आधा घंटा पौन घंटा तो लग ही जाता है अगर अच्छे से पूजा करो। तो बस हमने दीपक जला दिया है, जाके फिर मंदिर में हाथ जलाते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। और काफ़ी दिनों से मेरा ब्लॉग भी नहीं जा रहा था, आज 5-6 दिन हो गए हैं ब्लॉग मेरा नहीं गया है। और मैं कोशिश करूंगी अब ब्लॉग जाने। और ये देखिए उड़द की दाल, क्योंकि इस समय चौमास चल रहे हैं यानी कि बरसात का दिन चल रहा है, तो इसी वजह से ना मतलब दालों में कीड़े पड़ने का डर रहता है। तो हम उसको हल्की आँच में, इसको हम हल्के से थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, इससे क्या होता है कि कीड़े नहीं लगते हैं। और फिर डिब्बे में ठंडा हो जाएगा, डिब्बे में कर देंगे और चलते हैं कुछ खा लेते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। चाय और चलो गर्म कर लेते हैं। और आप सभी का ऐसे ही सपोर्ट बने रहे, बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके कमेंट आते हैं, और काफ़ी दिन से कमेंट आ रहे हैं, जब मेरा ब्लॉग नहीं गया तो कमेंट आ रहे थे कि आप सिस्टर क्यों नहीं ब्लॉग डाल रहे, तो बस यही है। तो चला हमने कहा चलो ठीक है डाल देते हैं क्योंकि मन करता नहीं है। तो ब्लॉग डालने का तो मेरा मूड ही नहीं था, मेरे शॉर्ट वीडियो आ रहे थे उसमें अच्छे से खासे व्यूज आ रहे हैं, तो उसी में थोड़ा सा फोकस दे रही थी। और हम एक कमेंट आया था कि आप शॉर्ट वीडियो में कुछ अर्निंग होती है यानी कि कुछ पैसा बनता है। हाँ, शॉर्ट वीडियो में भी पैसा बनता है, ये चीज़ देखा है। तो जितना कि मेरे लॉन्ग में वीडियो में मेरा बनता है उससे ज़्यादा मेरे शॉर्ट वीडियो में ही मतलब पैसा बनता है। इसी वजह से मैं शॉर्ट ही वीडियो, और मैं सभी से यही कहूँगी कि शॉर्ट वीडियो ही डालें, उसमें से कुछ पैसे बनते हैं, उससे सब्सक्राइबर भी मिलते हैं और पैसे भी बनते हैं। तो सब लोग ऐसे ही कीजिए, लॉन्ग वीडियो भी डालिए और शॉर्ट वीडियो भी डालिए। तो बस यही है कि शॉर्ट वीडियो में भी हमारी थोड़ी सी अर्निंग होती है, इसी वजह से हम उसमें अपन फोकस। पहले मुझे नहीं पता था मगर जब देखा, मैंने डाल के देखा, फिर उसकी देखी कि हाँ उसमें कुछ बन रहा है, तो फिर इसी वजह से। और बस चाय पी लेते हैं क्योंकि अब क्या बताएं, बस छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगी और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्या करूँ कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते ही देखा आप 10:30 बजे मैंने पूजा की है, तो ऐसे अगर हम वीडियो बनाने के चक्कर में रहेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएंगे, इसी वजह से भाई नहीं वीडियो मेरा बन पा रहा है। पर कोशिश करूँगी कि वीडियो आप तक पहुँचाऊँ, और क्योंकि आप सबको मैंने भूल सकती है क्योंकि मेरा इतना अभी तो इतना ही बड़ा परिवार है, मेरा इतना बड़ा परिवार है कि जब मेरा इतना बड़ा परिवार हो जाएगा तो मैं तो बिल्कुल नहीं भूल पाऊंगी, इतना बड़ा परिवार तो मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। तो चलते हैं चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर हम आपसे बात करेंगे क्योंकि
देखो सुबह की एक टाइम ना मुझे चाय नाश्ता की तो सभी की जरूरत होती है, तो हम भी कर लेते हैं चाय नाश्ता। तो बस नाश्ते में बनाया है आलू और पराठे, बस और कुछ नहीं बनाया था क्योंकि बच्चों की फेवरेट है आलू और सब्जी। और ये देखिए पराठी, पराठे आलू और चाय, यही। फिर मिलते हैं आपको चाय नाश्ता करने के बाद। और इसके बाद दोपहर का लंच तैयार कर रही हूँ। दाल में बना रही हूँ, मिक्स दाल बना रही हूँ। चने का दाल है, काली दाल है और मूंग की दाल है और अरहर की दाल है। ये सब दाल रख दिया उधर, और इधर हमने कपड़े भी ड्राई कर लिए हैं और कपड़े निकाल के मुझे छत पे डालना है क्योंकि इस समय थोड़ा सा धूप निकला है आज के दिन, तो सारे कपड़े निकाल लेते हैं। और क्योंकि इस समय शुक्रवार को बहुत अच्छी से धूप निकली थी, और मतलब इतनी अच्छी भी नहीं निकली थी, यह है कि कपड़े सूख गए थे। और क्योंकि जब कपड़े सूखते नहीं हैं छाया में सुखाओ तो वो कपड़े अच्छे नहीं लगते, ऐसा लगता है कि गीला गीलापन और बड़ा अजीब सी फीलिंग होती है। और जो कपड़े धूप में सूख जाते हैं ना उसको पहनने का अच्छा ही लगता है। तो कपड़े यहाँ पर डाल देते हैं और देखिए मौसम कैसा है, बिगड़ भी रहा है और बस ऐसे ही है कि बस धूप में ये कपड़े हमारे सूख जाएंगे। और ये जो सूट आप देख रहे हैं तो क्योंकि हमने शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया है तो सभी ने कहा ये बहुत प्यारा लग रहा है सूट, ऑनलाइन मंगाया है। हाँ तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था और काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग है और इसके पास इसके साथ दुपट्टा भी निकला था। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये शाम की चाय बना रही हूँ और बच्चों के लिए नाश्ता, और 4 बजे का टाइम है, 4:30 बजे का। तो बच्चों को मन था पूड़ी खाने, जीरे वाली, जीरा और अजवाइन डाल के वो वाला, तो यहाँ पे मैं पूड़ी बना देती हूँ और चना भी बना देती हूँ क्योंकि इसके बाद तो शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना। तो सुबह का और शाम का तो इतना, मतलब सुबह जो जितना काम रहता है उतना शाम का नहीं रहता है, फिर भी काम तो रहता ही है। तो इधर मैंने थोड़ी से चने फ्राई कर दिए हैं और ये है शाम का खाना बना रही हूँ। खाने में बना रही हूँ पनीर और मटर की सब्जी, और क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मैं जो वीडियो नहीं डाल रही थी तो कमेंट भी बहुत ज़्यादा भर भर के आए थे, तो उनके सारे आपको कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊँगी, पर एक या दो ऐसे कमेंट आए थे। तो मेरी कुछ बहनों ने, मतलब 2 बहनों ने कहा है कि आपके हस्बैंड वीडियो नहीं डालने दे रहे हैं, क्या आपस में बातचीत हो गई? तो ऐसा कुछ नहीं है डियर सिस्टर, कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड कभी नहीं कहते हैं कि आप वीडियो ना डालो, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे सभी लोग सपोर्ट करते हैं, मेरे मायके से भी सभी लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आई हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए, यहाँ पे अपना वॉइस इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि काफ़ी शोर हो रहा था और टीवी भी बहुत ज़ोरों से चल रहा था, तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है। और सारे कपड़े अच्छे से सूख गए हैं, तो बहन ऐसा कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और कभी भी मना नहीं करते हैं।